आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। मैं हूं चंद्र प्रकाश। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में आज राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं मुश्ताक आलम जी से क्या कहना चाहेंगे। किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल आश्वासन कृषि विधेयक, कृषि सेवा विधेयक जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा पास किया गया, हम लोगों को लगता है हम लोग पिछला जो महाजनी प्रथा था उस दौर में हम लोग चले गए हैं। पहले होता था कि महाजन किसान से खेत ले लेता था बंधक में और उसी किसान से खेती कराता था और 75 पैसा अपने रखता था और किसान को 25 पैसा देता था, वो भी उसकी मर्जी पर डिपेंड करता था। वही स्थिति अभी हिंदुस्तान की हो गई है। केंद्र सरकार ने पूरे किसानों को अडानी और अंबानी के कब्जे में भेज दिया है। आज के दिन में आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान के कई ऐसे शहरों में अडानी का 2100 एकड़ जमीन में ये वेयर हाउस बना दिया गया है जहां वो अनाजों का भंडारण करेंगे। अंबानी के तरफ से 1600 एकड़ में वेयर हाउस बना दिया गया है जिसमें वो अनाजों का भंडारण करेंगे। अब पहले जो कानून था कि किसान अपनी मर्जी से बाजार में जाता था, सामान बेचता था, आज के डेट में अब मर्जी जो बड़े पूंजीपति हैं उनकी मर्जी से पूंजीपति उनको पैसा देंगे खेती करने के लिए और जब फसल हो जाएगा तो अपनी मर्जी से उसको ले जाएंगे और उसे भंडारण करेंगे, उसके बाद जनता को दुगुने चौगुने दामों में बेचने का काम करेंगे। तो इस तरह से एक तरफ किसानों को मारा जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ की 130 करोड़ जनता को मारने का प्लान किया जा रहा है। ये विधेयक जो है काला कानून है, इसका हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पुरजोर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार अविलंब इस काले कानून को वापस ले और यहाँ के किसानों और यहाँ की जनता को राहत दे। चूँकि आज का कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से है और पूरे 24 जिलों में आज हमारा कार्यक्रम हो रहा है जिला स्तर पर और हम आज के इस कार्यक्रम में यहाँ से जुलूस के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सूचित करने की कोशिश करेंगे कि इस बिल को वापस लिया जाए। सर, ये राष्ट्रपति द्वारा इसी बिल पर मुहर लग चुकी है, इसके बाद ये कितना नुकसानदेह है किसानों को? पूरे तरह नुकसानदेह है। मैंने कहा ना कि हम महाजनी प्रथा की तरफ चले जाएं। किसान अपनी मर्जी से खेती नहीं कर सकता है, खेती भी करना होगा तो बताएंगे वो लोग जो पूंजीपति हैं कि आपको ये खेती करना है, इस तरह से करना है और हम आपका फसल लेंगे कम दाम में और चौगुने दाम में भंडारण करके बेचेंगे। आप भंडारण करने की पहले थी कि एक लिमिट ये था कि इतना से ज़्यादा आप भंडारण नहीं कर सकते, उसको अनलिमिटेड कर दिया गया। आप पूंजीपति चाहे तो पूरे हिंदुस्तान में जो गोदाम बना करके उसका भंडारण कर ले और उसके बाद मनमर्जी से बेचे। क्या कहना चाहेंगे? जो कृषि विधेयक बिल जो 2020 का है, जो हमारे संसद में ये बिल पास कर दिया गया बिना विपक्ष के आदेश के द्वारा, जो विपक्ष भरपूर विरोध करने के बावजूद भी इस बिल को पारित कर दिया गया और ये हमारे ये पूरे कृषि समाज के लिए काला दिन है और हम लोग इसका भरपूर विरोध करते हैं और इसी सिलसिले में आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके आदेश अनुसार हम आज एक ज्ञापन देने जा रहे हैं उपायुक्त महोदय को। देखिए, हम लोग तो पूरी तरीके से इस काला जो बिल है इसका भरपूर विरोध करते हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे और सड़क से लेके संसद तक हम लोग इसका भरपूर।